प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। हजरत मोहतरम, मैं तो ये कहूंगा, जब आसिम रजा नाते पाक पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में एक शेर घूम रहा था कि इन्हें दीन अहमद का परिस्तार कहा जाता है, मुझको दीवाना है सरकार कहा जाता है, यह अलग बात है, मुझको मेरा हक ना मिले वरना मुझको भी हकदार कहा जाता है, वरना मुझको भी हकदार कहा जाता है। और शायर कहता है कि मैं मदीने से नूर लाऊंगा, जिंदगी का शोर लाऊंगा। समझने वाले समझ जाते हैं और जो समझने वाले नहीं होते वो नहीं समझते हैं, जो समझदार होते हैं वो इशारे को समझ जाते हैं। मैं मदीने से नूर लाऊंगा, जिंदगी का शुऊर लाऊंगा, और ऐ मेरे दर्द दिल भरोसा रख, ऐ मेरे दर्द दिल भरोसा रख, तेरा तोहफा जरूर लाऊंगा, ऐ मेरे दर्द दिल भरोसा रख, तेरा तोहफा जरूर लाऊंगा। और शायर कहता है कि उन्हें सुकून सऊदी रियाल देता है। मैं एक शेर आपके सामने कहना चाहता हूं आपकी खामोशी को देख करके, कि सबा खामोश इस तरह बैठना अच्छा नहीं लगता, सबा खामोश इस तरह बैठना अच्छा नहीं लगता, नीची नजरें झुकाना अच्छा नहीं लगता, उठाओ सर उठाओ नजरें और दस्ते सखावत भी, मोमिन का ये सर बिना टोपी के अच्छा नहीं लगता। ये शायर कहता है कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तलक मेरे पाँव में जंजीर डालेगी। और मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। जो मेरे भाई नंगे सिर बैठे हैं अपने सिरों पर टोपियां रखें, टोपियां नहीं है तो चादर से ढक ले, क्योंकि किसी दुनियादार का जलसा नहीं है बल्कि मदीने के ताजदार का जलसा है। इसका अदब और लिहाज रखना जरूरी है। घुटनों से हाथ हटाइए और हाथों को फजा में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और तब कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत, शायर कहता है कि जमीन महकने लगी आसमां महकने लगा, जमीन महकने लगी आसमां महकने लगा, आ गए सरकार सारा जहां महकने लगा, आ गए सरकार सारा जहां महकने लगा, और मेरे सलाम का आका ने यूं दिया जवाब, मेरे सलाम का आका ने यूं दिया जवाब, हवा वहां से चली और मैं यहां महकने लगा, हवा वहां से चली और मैं यहां महकने लगा। हजरत मोहतरम, अब आपके सामने आपके मदरसे के सदर मदरिस हजरत हाफिज वकारी मौलाना मोहम्मद रजा साहिब को पेश करने के लिए जा रहा हूं। वो चंद मिनटों में घंटों की बात कर जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे कि मौलाना ने क्या बोल दिया, और बड़े ही अच्छे अंदाज में बोलेंगे। आइए हजरत, आने वाले मेहमान का वेलकम स्वागत नारे तकबीर और रिसालत की फजाओं में करें। एक बात और बता दूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द टाइम हो रहा है, 11 बजने वाले हैं और 11:15 बजे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकर्रम सुभानी साहिब स्टेज पर रौनक अफरोज हो जाएंगे। बहुत जल्द हजरत का खिताब होगा और आप उनकी तकरीर समाज फरमाएंगे, इंशाल्लाह तकरीर सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अंदाज में हजरत तकरीर करते हैं। आइए उनसे पहले आपके मदरिस साहब को समाप्त कर लें। एक बार आने वाले मेहमान का बैगम स्वागत नारे तकबीर और रिसालत की फजाओं में करें। बुलंद आवाज़ से नारे नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत नारे गौसियत जश्ने गौसुल वरा हजरत हाफिज मौलाना मोहम्मद रजा साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं तो ये कहूंगा, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है बनियों की दुकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है बनियों की दुकानों में नहीं मिलता, और हमें शेर व सुखन अहमद रजा के दर से मिलता है, हमें शेर व सुखन अहमद रजा के दर से मिलता है, यह अच्छा शेर है जो कारखानों में नहीं मिलता।